दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं हूं करण सरोज, आप लोग देख रहे हो मजेदार टेक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसा कमाल का एप्लीकेशन लेकर के आया हूं, जिसे यूज करने के बाद आप अपने एंड्रॉयड फोन को इतना ज्यादा खूबसूरत बना सकते हो ना, और एट्रेक्टिव बना सकते हो कि देखने वाला शौक में पड़ जाएगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। जब आप अपने फोन को इस्तेमाल करोगे और कोई भी बंदा देखेगा ना तो बोलेगा वॉलपेपर तो बहुत लोग लगाते हैं, बट यार तूने क्या ही कमाल का वॉलपेपर अपने फोन में सेट किया है। यानी कि ऐसा यूनिक एप्लीकेशन लेकर के आए हो आप लोगों के लिए, आप अपने फोन को एट्रेक्टिव और स्मार्ट बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन को यूज करने के बाद। अगर आप भी अपने फोन को खूबसूरत बनाना चाहते हो, कुछ अलग बनाना चाहते हो, इस्तेमाल तो हर कोई करता है, जैसे कि यहाँ पे आप दोस्तों मैंने ये वॉलपेपर लगा रखा है तो कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, बट इससे भी अच्छा और इससे भी स्मार्ट बनाना चाहते हो ना तो इस एप्लीकेशन को जरूर यूज करना। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, वीडियो को कर देना है लाइक और एंड तक कंटिन्यू देखते रहना है। वीडियो को लाइक कर दे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, ताकि जब नए वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। बस इतना सा काम आप लोगों को कर देना है। उसके बाद क्या करना है, एक छोटी सी एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने का कोई भी टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो, कैसे यूज करना है, परमिशन वगैरह सारी चीजें आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पे आपको क्या करना है, सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहां पे आप देख सकते हो इस तरह से ओपन होएगा तो पूरा स्क्रीन ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो आप सोचोगे इसमें क्या खास है, तो यहां पे सिंपली आप देख सकते हो यहां पे आपको 3 डॉट देखने को मिल जाएगा। यहां पे उसके बाजू में यहां पे मिल जाएगा सेटिंग्स वगैरह मिल जाएगी, तो आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है यहां पे सेटिंग वगैरह जो भी है। तो यहां पे फिर उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, फिर यहां से कट कर लेना है। जैसे कि आप यहां पे साइज वगैरह मिल जाती है आपको, फिर यहां पे आपको क्या करना है, कट कर देना है। फिर उसके बाद यहां पे आपको जो 3 डॉट दिख रहा है ना, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां से आप लाइव वॉलपेपर सेट कर सकते हो कौन सा। जैसे कि यहां पे स्क्रीन पे आप अगर टच करोगे पूरा ब्लैक है, और अगर यहां पे आप टच करोगे ना तो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो मैजिक फ्लूट्स आपको दिखेंगे जो कि यहां पे गायब हो जाएंगे जैसे आप टच करोगे। तो यहां पे टच किया तो हैं, जैसे ही मैं टच हटाऊंगा तो गायब हो जाएंगे। तो ये कुछ मैजिक टाइप का आप वॉलपेपर सेट कर सकते हो अपने फोन में। टच करोगे तो रहेंगे और यहाँ पे जैसे टच हटाओगे ना तो यहाँ से गायब हो जाएंगे, और अलग अलग कलर का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ अलग अलग कलर का। तो यहाँ पे अगर आप होल्ड करके रखोगे ना तो कुछ इस तरह से यहाँ पे निकलेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कितना कमाल का और अल्टीमेट लगेगा भाई साहब, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो इस प्रकार से आप अपने फोन में वॉलपेपर सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगर ना सिंपली 3 डॉट पे जाना है, स्टेटस लाइव वॉलपेपर पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेट कर लेना है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, वॉलपेपर सेट कर सकते हो मैजिक फ्लूट्स वाला। तो आप लोगों को कैसा लगा एप्लीकेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, फटाफट 1 मिलियन कंप्लीट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।